नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए, मैं आज हम निकोटीन एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। निकोटीन ये एक प्रकार का ड्रग है जिससे नशा होता है, और लगातार अगर ये नशा किया जाए तो इससे आदत पड़ के वो व्यक्ति व्यसनाधीन बन जाता है। अब निकोटीन अलग अलग प्रकार से लिया जाता है, जैसे कि टबैको च्यूइंग यानी तंबाकू खाना, सिगरेट्स में, बीड़ी में या सिगार्स में। अब काफ़ी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कंसल्टेशन के लिए कि जिन्हें तंबाकू खाने की छोड़ने की इच्छा होती है या फिर सिगरेट छोड़ने की इच्छा होती है। तो इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि जिन्हें तंबाकू, सिगरेट यानी इन शॉर्ट निकोटीन एडिक्शन बंद करना है, उन्हें ये वीडियो से फायदा हो, उन्हें ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी मिले। अब एक भी बार अगर सिगरेट लिया गया या निकोटीन यानी टोबैको लिया गया, तंबाकू लिया गया, तो भी जो हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उसमें से एक है डोपामिन। वो डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और उससे हमें एक अच्छा फीलिंग आता है जिसे हम बोलते हैं प्लेजर इफेक्ट। और वो एक बार प्लेजर इफेक्ट का एक्सपीरियंस उस इंसान को हो गया तो उस इफेक्ट को वो बार बार चाहता है, और वो बार बार इफेक्ट लाने के लिए वो इस नशे को लगातार करता है, और वो आदत उसे धीरे धीरे पड़ने लगती है, और वो आदत पड़ के वो व्यसनाधीन बन जाता है, उसके अधीन हो जाता है, जिसे हम डिपेंडेंसी भी कहते हैं। अब डिपेंडेंसी के कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी हाउ टू टैकल एडिक्शंस, इसमें डिपेंडेंसी के कुछ क्राइटेरिया बताए थे, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगी। पहला है टॉलरेंस। जिस व्यक्ति को एक सिगरेट लेके या फिर एक बार गुटखा खाके भी एक वो प्लेजर इफेक्ट आता होगा, लेकिन कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद उसे 10 सिगरेट लेके भी वो इफेक्ट आता नहीं, या 8-10 बार गुटखा तंबाकू खाके भी वो इफेक्ट आता नहीं, उसे टॉलरेंस कहते हैं। विड्रॉल यानी अगर निकोटीन दिमाग में नहीं गया या नहीं पहुंचा तो वो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, मूड चेंजेस होते हैं या बेचैनी होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती या नींद नहीं आती या पेट साफ नहीं होता। कुछ लोग इस एडिक्शन की वजह से सोशलाइज करना कम कर देते हैं। आजकल स्मोक फ्री जोन्स हैं जहां स्मोकिंग अलाउड नहीं है, या फिर फैमिली फंक्शंस में जा रहे हैं, पार्टीज गैदरिंग्स में जा रहे हैं तो वहां अलाउड नहीं होता है, और अगर उन्हें इच्छा हुई नशा करने की तो वो कर नहीं पाते, इसलिए वो बाहर जाना टालते हैं या कम कर देते हैं। क्रेविंग होता है यानी इंटेंस डिजायर टू गेट द ड्रग, यानी इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो इच्छा के सामने कुछ भी नहीं दिखता है। काफी लोगों को तीव्र इच्छा होती है छोड़ने की, वो छोड़ते भी है लेकिन वो कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद वापस एडिक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं। अब ऐसा देखा गया है कि कुछ ये नशा कुछ लोग क्यों करते हैं और कौन से लोग इस नशे के अधीन हो जाते हैं। जैसे कि अगर घर में पिताजी या दादाजी या अंकल, उनको अगर सिगरेट या कोई नशा करने की आदत हो तो नेक्स्ट जनरेशन में वो उतर सकता है, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, फैमिली। दूसरा यानी कि दोस्तों के साथ रह के या बैड कंपनी में रह के प्रेशराइज होके बच्चे या बड़े इसका सेवन शुरू कर देते हैं। अगर कुछ लोग स्ट्रेस में हैं, कुछ टेंशन में हैं, तो वो टेंशन रिलीव करने के लिए सिगरेट लेना शुरू करते हैं या तंबाकू खाना शुरू करते हैं, और उसका धीरे धीरे व्यसन बढ़ते जाता है। साइकोसिस या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी,
अगर ये नॉन साइकेट्री प्रॉब्लम्स है तो इन लोगों में भी नशा करना शुरू हो जाता है या ऑलरेडी अगर कर रहे हैं तो बढ़ जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले जो व्यक्ति है उसने ये पूरी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और फिर कुछ ऐसी मेडिसिंस है जिसके लेने से हमारी इच्छा कम होती है, हमारा क्रेविंग कम होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है, हमें अच्छी नींद आती है, दिमाग शांत रहता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स है, अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है कि स्ट्रेस की वजह से अगर हमारा सेवन बढ़ रहा है तो एंटी डिप्रेसेंट्स हमें स्ट्रेस कम करने के लिए मदद करता है। इसके साथ निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है जिसमें निकोटीन पैचेस है, निकोटीन लोजेंजेस है, या फिर सबलिंगुअल निकोटीन टैबलेट्स है, नेजल निकोटीन नेजल स्प्रे है जिसके वजह से हमारा निकोटीन का सेवन कम हो सकता है। पैचेस जो है ये काफी अभी यूज होते हैं निकोटीन के, जिसे हम हमारे शरीर पे लगा कर रख सकते हैं, वो 24 घंटे तक इफेक्ट देगा और हमारे ब्लड में वो जो निकोटीन है वो रिलीज होते रहेगा और हमारे दिमाग तक निकोटीन पहुंचेगा, उसे हमें सेवन करने की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे ये करके 3 से 4 महीनों में हमारा ये एडिक्शन कम हो सकता है। इसके साथ ग्रुप थेरेपी या हिप्नोसिस हिप्नोथेरेपी का भी काफी अच्छा उपयोग है। हिप्नोस थेरेपी यानी रिलैक्सेशन थेरेपी, रिलैक्स होके हम अगर हमारे ब्रेन को सजेशंस दे, पॉजिटिव सजेशंस दे कि हमें ये व्यसन छोड़ना है तो ये काफी मदद करेगा। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल का नंबर है 9503309619। इस वीडियो का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक निकोटीन के बारे में या निकोटीन एडिक्शन के बारे में जानकारी पहुँचे, और जो व्यसन छोड़ना चाहते हैं उन तक इसकी जानकारी पहुँचे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।